हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रभात में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको मोबाइल से रेलवे टिकट कैसे बुक होता है इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में रेल कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरा इंस्टॉल किया हुआ है। यहाँ से आप ओपन कीजिएगा। ओपन होने के बाद ट्रेन टिकट का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ टच कीजिएगा आप। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देगा। आप नया अकाउंट बनाएंगे तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, अन्यथा पहले से बना हुआ है तो आप यहां से पिन डालिएगा। जैसा कि मेरा पहले से अकाउंट बना हुआ है, यहां 4 डिजिट का एक पिन मांगता है। 4 डिजिट का पिन डालने के बाद आप लॉगिन हो जाइएगा। लॉगिन होने के बाद आप माई जर्नीस यहां जाने के बाद आप अपना ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे जहां से आपको जाना है, वहाँ जहाँ से आपको जाना है वहाँ का स्टेशन का नाम या कोड डालने के बाद आप अपना डेट सेलेक्ट करके डेट सेलेक्ट करने के बाद, जैसे कि मैं 26 तारीख का डेट सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से फिर सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं बहुत सारा ट्रेन का लिस्ट खुल गया है। इसके बाद आप जो भी ट्रेन में सफ़र करना चाहते हैं उसका आपको टच करना होगा। और मैं स्लीपर का बुक करता हूँ, देख सकते हैं स्लीपर में अभी 26 तारीख को 263 सीट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको बुक नाउ का ऑप्शन दे रहा है। बुक नाउ पर टच करने के बाद आप यहाँ से अपना पैसेंजर डिटेल डाल सकते हैं। अब फटाक से आप अपना पैसेंजर डिटेल डाल दें। जैसे मेरा नाम, पैसेंजर डिटेल में नाम, एज, मेल, हम फटाक से भर देता हूँ। आप इसमें बर्थ भी अपने अनुसार से चूज कर सकते हैं, अन्यथा छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद डन कर देना है। इसके बाद नीचे देख सकते हैं, आपको बुकिंग का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ से आपको बुकिंग पे टच करना है। बुकिंग के टच करने के बाद आपको एक कैप्चा भरना होगा। कैप्चा जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रहा है, AL66KY। इसको भरने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट ऑप्शन पे जाना है। इसके बाद आप ई वॉलेट से पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो सुविधा पड़े उससे आप पेमेंट कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमको बताने के लिए ये बना रहे हैं, इसलिए हमको बुक नहीं करना है। तो आप यहाँ से पे के ऑप्शन में जाइएगा तो आपका टिकट बुक हो जाएगा और एक टिकट का पूरा डिटेल दे देगा। उसके बाद आप जर्नी कर सकते हैं। टिकट बुक होने के बाद आप उसको मोबाइल में भी रख सकते हैं, अन्यथा प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं। तो
कैसा लगा ये IRCTC का मोबाइल एप्लीकेशन? कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।